आज हम मौजूद है कोरोना काल में धार जिले का हाल जानने। कोरोना काल में धार जिले का क्या हाल है और प्रशासन किस तरह से ऐसे हालातों से निपटने में कितना सक्षम है, जिले में कोरोना कितना नियंत्रित हुआ है, इसके लिए क्या क्या उपाय किए गए। कोरोना काल में सबसे बड़ी चुनौती सामने है कि किस तरह इस पूरी अफरा तफरी को कंट्रोल में लाया जाए। इसको लेकर आज ग्लोबल इंडिया टीवी पर खास बातचीत के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है धार जिला कलेक्टर आलोक कुमार सिंह जी, साथ ही हमारे संवाददाता अमर वर्मा जी भी मौजूद है। मेरा सवाल आलोक कुमार सिंह जी से। सर, वैसे तो कोरोना महामारी को लेकर आपने जमीनी कार्य कर रहे हैं और काफी हद तक सफल भी हुए, आपका कार्य सराहनीय है, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि फिलहाल धार जिले में कोरोना की क्या स्थिति है। जी नमस्कार, मैं आलोक सिंह, कलेक्टर धार। कोरोना का जो ग्राफ लगातार बढ़ रहा था जी, और हमारी पॉजिटिविटी बढ़ते बढ़ते 20% तक आ गई थी, पिछले एक सप्ताह से उसमें लगातार नियंत्रण दिख रहा है और आज की डेट में हमारी पॉजिटिविटी रेट 15% पे आ गई है। सबसे बड़ी जो जरूरत थी इस कोरोना के चेन को तोड़ने की, उससे हम लोगों ने काफी प्रयास किए हैं। पिछले 25 दिन में जनता ने अपने कर्फ्यू के द्वारा पूरे इलाके को सील कर रखा है। लोग बहुत ही जरूरी काम होने पे ही बाहर आ रहे हैं। मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो चली रही है, बट ये सबसे बड़ा उपाय है जिसमें लोगों ने अपने को स्वयं नियंत्रित कर लिया है और उसके कारण लगातार जो हमारी डेथ भी हो रही थी या जो मरीजों की संख्या में काफी तेजी से उछाल आया था, वो काफी नियंत्रण में नजर आ रहा है। जहाँ पहले पर डे 250 से 300 केस आ रहे थे और हमारे 150 से पौने 200 तक केसेज आ रहे हैं। दूसरी अच्छी चीज ये है कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो पीथमपुर से काफी अच्छी मेंटेन हो गई है। जो हमारे 450 बेड ऑक्सीजन के हैं उसके लिए हमको पर्याप्त ऑक्सीजन पहले भी मिल रही थी, क्योंकि धार जिले में ही प्लांट है, बट उसके बावजूद भी यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई नियंत्रित है। और इंजेक्शन के मामले में भी राज्य शासन ने जो व्यवस्थाएं दी हैं उसके तहत अब लोगों में उतना पैनिक नहीं है। डॉक्टर्स को भी हम लोगों ने ट्रेंड किया है कि आप जो अल्टरनेट दवाएं हैं वो भी उपलब्ध कराएं और उसकी भी उपलब्धता हम सुनिश्चित कर रहे हैं। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जिस प्रकार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसा ही अगर ग्राफ बढ़ता रहा तो ऐसे में आगे आपकी क्या तैयारियां? हमने आपसे अनुरोध किया कि ग्राफ अभी फिलहाल प्लेटू पे है, नियंत्रित है, लेकिन हमने आगे के लिए पूरी तैयारियां अपने जिले में कर रखी है। जो हमारे जिले के CHCs हैं जिनको हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बोलते हैं, 14 सेंटर्स पे हम लोगों ने अपनी व्यवस्थाएं की है। सभी 7 विधायक ने ऑक्सीजन यूनिट्स अपने क्षेत्र के अस्पतालों के लिए दिए हैं। लगभग 2.5 करोड़ के ऑक्सीजन के हमारे प्लांट्स सेंक्शन हो गए हैं और 1-1.5 महीने में वो चालू हो जाएंगे, तो हम उसके मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। इसके अलावा हमने 8 एम्बुलेंस CSR से प्राप्त की हैं। माननीय मंत्री राजवर्धन सिंह जी, उद्योग मंत्री जो हमारे जिले से आते हैं, उन्होंने इसको लगातार मॉनिटर किया है क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से। तो हम अपने जिले के दूरस्थ अंचल में दही, कुच्छी, मनावा, धामनोर, धर्मपुरी, माता मेर से लेते हुए सरदारपुर और बदनावर तक और नालछा धामनो तक हम लोगों को एम्बुलेंस पहुंचाने में सक्षम हो गए हैं। सबको हमने नई गाड़ियां वहां पे प्रोवाइड की हैं। इसके अलावा 250 ऑक्सीजन लाइन हम और डाल रहे हैं, जिससे कि भविष्य में भी अगर कभी जरूरत हुई तो उन लाइन्स का भी उपयोग किया जा सकता है। सभी अस्पतालों को हम पूरी तरह से इक्विप कर रहे हैं। सब जगह ब्लड टेस्टिंग की यूनिट्स लगी हैं। हमारे जिला अस्पताल में भी 64 तरह की जांचें होने लगी हैं। शासन ने जो आयुष्मान कार्ड की जो लाभ देने की बात की है, उसमें हमारे जिले में सबसे ज्यादा कार्ड पिछले 2 महीने में बनाए गए। जहां हमने पहले 2 लाख कार्ड थे, आज हमारे पास 8 लाख कार्ड हैं और लगभग अधिकांश परिवार हमारे आयुष्मान से टच में हैं। हमारे जो 10 प्राइवेट अस्पताल थे जिसमें चिकित्सा चल रही है, उनका हमने रजिस्ट्रेशन परसों ही गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की और कल से लेकर आज तक हमारे सभी 10 हॉस्पिटल रजिस्टर्ड हो गए हैं। जो हमारे मरीज आयुष्मान कार्ड धारी आएंगे उनको निःशुल्क सेवाएं उन हॉस्पिटल से प्रदान की जा सकेगी और ये मरीजों के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी। और जो हमारे शासकीय अस्पताल है उसमें पहले से ही जांचें और दवाएं उनको निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। सीटी स्कैन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो मशीन भी हमारी सेंक्शन हो गई है और उम्मीद है कि 15 से 20 तारीख के बीच वो हमारी सिटी स्कैन लग जाएगी। 4 वेंटिलेटर हमारे इस बीच शासन से आ चुके हैं। माननीय प्रभारी मंत्री जी ने प्रयास करके काफी बजट यहाँ पे उपलब्ध कराया है, जिससे हम अपने कोविड कंट्रोल सेंटर्स को CCC सेंटर्स हम अपने
चालू किए हैं और लगभग पैनिक जैसी कहीं की स्थिति बची नहीं है, लेकिन अभी भी जरूरत है कि लोग अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। शादियां पूरी तरह से प्रतिबंधित करके दी गई हैं। राशन की दुकानों पे हमने ये कोशिश की है कि केवल होम डिलीवरी हो, सब्जी भी केवल हफ्ते में 2 दिन हम अलाउ कर रहे हैं, और इसके नाते इस चेन को काफी हद तक हम संभालने में सफल हो पाए। जी सर, ऐसी महामारी में भी आप और आपकी पूरी टीम जमीनी स्तर से काम कर रही है, जिसके लिए जिले भर में आपकी प्रशंसा भी हो रही है। लेकिन मेरा एक सवाल और, कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आने की भी चांसेस हैं, तो क्या जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो तीसरी लहर के लिए पूरी होंगी? जो हमारी टीम है दिन रात मुस्तैदी से लगी है, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा, इस दौरान हमारे 2-3 वरिष्ठ अधिकारी साथियों की इसमें डेथ भी हुई। हमारे 15 के लगभग डॉक्टर संक्रमित हुए, 25-30 नर्सें संक्रमित हुई, लेकिन सब इस लड़ाई में लड़के बाहर निकले हैं। हमारे सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार लगभग 10-12 की संख्या में, और ऑफिस में भी कई जगह कई स्टाफ प्रभावित हुआ है, लेकिन जो सेवा की भावना है उससे पूरी टीम लगी हुई है। चाहे वो पीथमपुर से 12 जिलों को ऑक्सीजन सप्लाई करना हो, चाहे अस्पतालों में दिन रात लगातार काम करना हो, हमारे डॉक्टर नर्सें और जो कोरोना वॉरियर्स, उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि वो पूरी शिद्दत से इस लड़ाई में लगे हुए हैं। जो हमें टेम्परेरी स्टाफ लगभग हमने 70-80 नर्सों की नियुक्तियां की हैं, डॉक्टर्स की हैं, जो हम भविष्य के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई चेन, अस्पतालों में बेहतर व्यवस्थाएं, ऑक्सीजन प्लांट्स लगा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि लहर के फाइट करने के लिए प्रशासन, जो मध्य प्रदेश शासन के निर्देश हैं, गवर्नमेंट के निर्देश हैं, उसके पालन में हम लोग पूरी अपनी तैयारियां सुनिश्चित करेंगे। लेकिन फिर भी इस पूरे अनुभव में मेरा अनुभव यही है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, लोग आत्म नियंत्रण रखें, अपने को नियंत्रित रखें, अनावश्यक रूप से बड़े शहरों में ना जाएं, अनावश्यक रूप से मूवमेंट ना करें, तो ये लहर आएगी नहीं और हम पूरी तरह से अपने लोगों को सुरक्षित कर पाएंगे। सर, मैं अगला सवाल हमारे संवाददाता अमर वर्मा जी से ले लेती हूँ। अमर, धार जिले में लॉकडाउन में लोगों को क्या क्या परेशानियां आ रही, इसको लेकर आपको क्या जानकारी? देखिए आयशा जी, मैं बताने जाऊंगा कि जिस प्रकार से सर ने बताया है कि काफी हद तक कोरोना की महामारी में वो कामयाब हुए हैं और उनकी टीम उनके निर्देशन में काम कर रही है और काफी हद तक मतलब काबू पा लिया गया है। जिस प्रकार से एक समय ऐसा था कि 250 पॉजिटिविटी आ रही थी, जो घटकर 170-150 तक हो गई है, लेकिन साथ ही में कलेक्टर सर का मैं ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से गांव में वायरल बुखार को लेकर कई लोग बीमार है, उनकी जानकारी हमारे पास आती है कि घर में पूरी तरह से पूरे के पूरे परिवार वायरल की चपेट में आ गए हैं, तो ऐसे लोगों को जो कोरोना से डर रहे हैं और उनको सही इलाज नहीं मिल पा रहा है और न ही वो जांच कराने जा रहे हैं और न ही उनको कोई ऐसे डॉक्टर मिल रहे हैं कि उनकी सही तरह के इलाज हो पाए। जी आयशा जी, ये आपने एक अच्छा पॉइंट उठाया, मैं जरूर इसमें दो लाइन ऐड करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश शासन के निर्देश से हमने किल कोरोना टीम का एक अभियान शुरू किया है और इसमें हमने 2000 के लगभग की टीमें बनी हुई हैं। ये टीमें घर घर जाके सर्वे कर रही हैं और 26 लाख लोगों का सर्वे हम अगले 20 दिन के अंदर करेंगे। जो हमारी टीम जा रही है वो ऑक्सीमीटर के साथ है, थर्मल गन है उनके पास, हम उनको एक लक्षण पता करते हैं। दवाओं की एक स्पेसिफाइड किट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और मध्य प्रदेश शासन से अनुमोदित है, वो दवाएं हम संदिग्ध लोगों को तत्काल प्रदाय करते हैं। 150 के लगभग की वो किट आती है जिसमें इससे लड़ने के लिए क्षमता है, तो इन सभी लोगों को हम चिन्हित कर रहे हैं, उनको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप जल्दी दवा लेंगे, सही दवा लेंगे तो आप बिल्कुल ठीक होंगे। इसके अलावा गाँव में जो डॉक्टर होते हैं जिनको बंगाली ट्रैक के आधार बातें लोग करते हैं, बट हम उनका भी उपयोग कर रहे हैं और उनके माध्यम से हम ये पता कर रहे हैं कि कौन लोग इलाज कराने वहां पे आए हैं, उनकी लिस्टिंग करके हम उन्हीं को ये दवाएं भी प्रदाय कर रहे हैं जिससे मरीजों को सही दवा मिल सके, तो लोग डरे नहीं, बाहर निकल के आए। और निश्चित रूप से गाँव में भी अब काफी कुछ हमने जन अभियान परिषद, सेवा भारती और बहुत सी संस्थाओं के माध्यम से, नारे के लेखन के माध्यम से सभी को ये अवगत कराया कि अगर हम जल्दी इसको डिटेक्ट कर लेंगे और सही समय पे अस्पताल में आ जाएंगे तो इसकी मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है। इतनी बड़ी महामारी के बाद भी 1-1.5% का ही इसकी मॉर्टेलिटी रेट है, तो अगर सही डिटेक्शन हो जाए, अर्ली डिटेक्शन हो जाए, सही समय पे दवा लेना शुरू कर दें, तो इस बीमारी से हम बिल्कुल लड़ सकते हैं और बच भी सकते हैं। इस प्रकार की जागरूकता क्षेत्र में फैलाई जा रही, साथ ही जो वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ है उसमें बड़ी तेजी से लोग सामने आ रहे हैं और ये निश्चित रूप से फैक्ट पाया गया है कि जिन्होंने दोनों वैक्सीनेशन करा लिया है
उसमें अगर ये बीमारी हो भी जाती है तो घातक नहीं होती, लंग्स पे उतने असर नहीं होते और लोग सुरक्षित बाहर निकल रहे हैं। तो वैक्सीनेशन का तेजी से प्रचार प्रसार हो रहा है और लोगों को लोग जागरूक होकर इसमें आगे आ रहे हैं। मैं एक बार फिर आलोक कुमार सिंह जी की तरफ रुख करना चाहूंगी। जैसा सर आपने कहा कि धार जिले में डेथ रेशियो जो है वो कम हुआ और चेन तोड़ने में काफी मदद मिली, तो सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे धार की जनता को और पूरे देश को, क्या सलाह देना चाहेंगे ग्लोबल टीवी के माध्यम से? हम जैसा पहले भी हमने कहा है, हम सबसे यही अनुरोध करेंगे कि आप नियंत्रण रखें, अर्ली डिटेक्शन करें। आपको जरा भी सिम्टम लगते हैं तुरंत अपनी जांच कराएं। हमारे जिले का 1000 का जैसे टारगेट है तो हम लोग उससे ज्यादा 1.5 लाख तक की जांचें करा रहे हैं। कोशिश ये है कि अर्ली डिटेक्शन हो, जैसे ही आपको पता चले आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, प्रॉपर उसकी दवाएं लें। लोगों को जो आपके जैसे ही आप टेस्ट कराते हैं आइसोलेट हो जाएं, दूसरे से ना मिलें, क्योंकि आपको पता है कि ये बीमारी एक से दूसरे को फैलती है। अगर आप अपने को आइसोलेट कर लेंगे, अपने परिवार को सुरक्षित रखेंगे, अपने समाज को सुरक्षित रखेंगे, पूरा जिला सुरक्षित होगा, प्रदेश और पूरा देश सुरक्षित होगा। तो ये ऐसा चेन है कि सबको मालूम है कि चेन ब्रेक करने से ही इसका इलाज है, छुपाने से कोई इलाज नहीं है। अगर छुपाएंगे घर में रहेंगे तो एक से दूसरे को और अपने पूरे परिवार को खो देंगे। तो मेरा सबसे अनुरोध यही है कि आप इसको तुरंत डिटेक्ट कराएं, तुरंत आप अपनी दवाएं लेना शुरू करें, अपने में ताकत बना के रखें। इसमें डरने जैसी कोई चीज ही नहीं है। 60% लंग इन्फेक्शन होने के बावजूद भी हमने अपने अस्पतालों से लोगों को अपने हाथ बल से ठीक होकर वापस आते देखा है और 85% से ज्यादा अभी भी रिकवरी रेट चल रहा है। तो बिल्कुल इसे डरने की जरूरत नहीं, इसको सही समय पर डिटेक्ट करने की, इसे लड़ने की जरूरत है और हम इसमें कामयाब होंगे। जी आयुषा जी, मेरा कलेक्टर सर से मेरा एक अनुरोध है कि जिस प्रकार से कोरोना की महामारी को देखते हुए लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा रहा है, ऐसी स्थिति में लोगों के घर कुछ ऐसे मध्यम परिवार के लोग भी हैं जिनके घर में राशन की व्यवस्था पूरी तरह से नहीं हो पाई थी और वो फोन कॉल के माध्यम से उनके घर में होम डिलीवरी हो रही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी है कि राशन का दुगना तीन गुना भाव लिया जा रहा है और ऐसे में बड़ी परेशानी आ रही है। कुछ लोगों का हमारे पास भी ऐसा फोन आता है, जानकारी आती है कि जो तेल 70-80 रुपए किलो था वो 160 180 रुपए किलो दिया जा रहा है। राशन की बात करें अगर हम, तो तेल शक्कर वो चाय वगैरह ऐसी जो जरूरत की चीजें है उनमें काफी भाव लिया जा रहा है। सर मैं दो चीजों का अनुरोध करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश शासन ने 3 महीने का राशन सभी को निःशुल्क उपलब्ध कराने का, जो भी हमारे कार्डधारी है लगभग 15 लाख लोग जिसमें शामिल होते हैं उनको देने का निर्णय लिया है और केंद्र शासन से भी 2 महीने का राशन मिलना प्रारंभ हो गया है। तो जो बेसिक राशन की बात है वो जरूर इसमें उपलब्ध हो रही है। मैं आपके चैनल और मीडिया के माध्यम से भी लोगों से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि ये जो सामग्रियां हैं उसका थोड़ा संयमित रूप से प्रयोग करें और जो लोग भी अगर इसमें मुनाफाखोरी करते हैं उन पर हम कड़ी कार्रवाइयां करेंगे। आज ही हमने इंजेक्शन के मामले में 2 अपराधियों पे राष्ट्रपति की कार्रवाई की है। तो एक तरह से जब समाज इस तरह से पीड़ित है उस समय मुनाफाखोरी करना अपने आप में ही एक संज्ञेय अपराध है। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि इससे बचें, हम अपने पे संयम रखें, अपनी जरूरतों को भी थोड़ा नियंत्रित करके चलेंगे तो निश्चित रूप से ये समय लंबा नहीं है, बहुत जल्दी हम इससे बाहर आ जाएंगे। सर ग्लोबल इंडिया टीवी पर आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमर आपका भी शुक्रिया। फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ग्लोबल इंडिया टीवी।